गणपति उत्सव के दौरान भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। पर मोदक ही क्यों, इसके पीछे की कहानी जानते हैं आप? मोदक का भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आप ये कुछ खास बातें जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में गणपति बप्पा और मोदक के बीच का कनेक्शन बताते हैं। और विशेष करके अगर मोदक का भोग लगाए तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि मोदक से बहुत गणेश जी बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि माता पार्वती, शिव जी वगैरह माता अनुसुईया के यहाँ गए थे, तो उन्होंने सोचा था कि भोलेनाथ को और इनको भोजन कराने के पहले गणेश जी को मैं भोजन करा दूं। तो उन्होंने वही सोचा, तो गणेश जी को भोजन कराने लगे, खूब भोजन कराया, लेकिन गणेश जी तृप्त नहीं हुए। तो अनुसुईया जी सोचा मैं करूँ क्या, तो उनको एकदम मोदक दिख गया। एक मोदक का एक टुकड़ा उन्होंने गणेश जी को खिलाया जो मीठा रहता है, तो उन्हें कहे मीठा तो कुछ खिलाऊंगा गणेश जी को तो काफी तृप्त होंगे। तो उनने जैसे ही मोदक का एक टुकड़ा खाया तो उनका पेट एकदम फुल हो गया और उनने एक बार ढकाल ली। उनने जैसे ही एक बार ढकाल ली तो शिव जी ने फिर उसको 21 बार ढकाल ली, यानी कि उनका पेट भराया तो शिव जी का भी पेट भरा गया, सारे देवी देवता का पेट। तो हमेशा ध्यान रखे तो भगवान को, गणेश जी को भोग विशेष रूप से मोदक का जरूर लगाए। मोदक जो अपन गणेश जी को अर्पण करते हैं, जो चढ़ाते हैं, तो उसमें एक विशेष बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका रंग कलर कैसे क्या होना चाहिए। हमको तड़के पहले भगवान गणेश जी की पूजन में या किसी प्रकार की चीज में एक तो काले कलर का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। तड़कीला भड़कीला काला कलर जो होता है, जैसे अपन ने मोदक ही बनाते हैं तो हमेशा जो मोदक रहते हैं वो सफेद कलर के रहते हैं, या तो चावल के आटे के बनाते हैं जैसे महाराष्ट्र में, गुड़ गुड़ के बनाते हैं, खोपरे के बनाते हैं, वो हमेशा एक व्हाइटनेस रहता है। और वाइटन जैसे कोई मोदक जल जाता है वो तो उसे हटा देना चाहिए। तो कलर का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जो अपन गणेश जी को भोग लगाए तो कलर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजादी काल पहले जो शिव जी का जो वरदान परशुराम जी को मिला था, और परशुराम जी जब शिव जी से मिलने गए थे तो वहीं पर द्वारपाल के रूप में श्री गणेश जी ने उन्हें रोका था। तो परशुराम जी ने उसी फर्शों से जो युद्ध दंत युद्ध हुआ था उसमें एक उनका दंत गणेश जी का टूट गया था, तो इसीलिए वो एक दंत कहलाते हैं। तो एक दंत कहलाने के बाद फिर के जब उनका जब दांत जब कुछ खाते थे तो उनको काफी पीड़ा होती थी, दांतों में काफी पीड़ा होती थी। तो उस पीड़ा को देखते माता पार्वती जी ने उनके लिए मुलायम मुलायम मोदक वगैरह जो उस टाइम चावल के आटे वगैरह का जो सफेद मुलायम गुड़ के वगैरह का मिला के मिक्स करके वो गणेश जी को खिलाया, तो उससे उनकी बिना दर्द के उनका वो मोदक एकदम निकल गया। तो उसी रोज से उनका मोदक काफी पसंद आया और वो भी से उनका मोदक सबसे प्रिय हो गया। तो गणेश उत्सव के दिन या कोई भी जो 12 महीने की सारी चतुर्थी आती है, अगर गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं, 21 मोदक का अगर भोग लगाते हैं, तो उसमें वो भोग गणेश जी को तो माननीय होता ही होता है, उसी के साथ अन्य जो देवी देवताओं है उन देवताओं को भी वो भोग मान्य हो जाता है। इसीलिए कहता है कि आप घर में जब गणेश जी विराजमान करते हैं सभी तरह के लड्डू का भोग लगाते हैं, लेकिन उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि एक बार मोदक के लड्डुओं का विशेष भोग लगाए, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कलर का विशेष सफेद कलर वो अगर जो रहते हैं। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपने मोदक से जुड़ी कुछ खास बातों को जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।